एलेक्सा वी आर नॉट टॉकिंग टू यू डोंट वरी। हूँ आशीष शौकीन, आज आप देख रहे हो पहली बार और ये है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अपना XUV 700 का। तो इनके ओनर से मिलते हैं भाई, वही बताएंगे इसके बारे में कि ये क्या प्लान किया, कैसे किया और सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने इतनी जल्दी गाड़ी ले ली है। मैं तो हैरान हूँ, लोगों को भाई मिलती नहीं है वो गाड़ी और ये कैसे लेके आ गए। तो भाई से पहले मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो ये है विक्रम मलिक भाई, अपने दिल्ली से ही और बॉक्सर है भाई। एक बार बॉक्सिंग वाला पंच दिखा दो भाई कैसे। ये तो भाई अपने बॉक्सर है, भाई का यूट्यूब चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ, विक्रम मलिक बॉक्सर के नाम से ही चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इनके पास है दो गाड़ी, थार और XUV थार आने वाली चैनल पे। और इसके बारे में छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस, जैसे ये कल ये अपना मडगार्ड लगा, वो सॉरी पीछे का गार्ड लगवा के लाए बम्पर वाला, तो आप ये जो भी मॉडिफिकेशंस है ये आप भाई के चैनल पे जाके कम्प्लीटली देख सकते हो। और अभी के लिए आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखना। महिंद्रा ने जिस हिसाब से काम किया ना भाई, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। और इस गाड़ी के लिए यार सबको पता है, अभी यूट्यूब पे बातें भी चल रही है कि यार लोगों को ये गाड़ी नहीं मिलती, प्रॉब्लम हो रही है ऐसी ऐसी। और साइड से एक बार मैं इसकी लुक दिखा दूँ आपको, वाइट कलर के साथ जो जेड ब्लैक शीशे मैच होते हैं ना, ये देखो भाई फुल्ली जेड ब्लैक शीशे हैं जो ये मैचिंग करते हैं ना इसके साथ, ये बहुत ही बढ़िया है। और वो पीछे आपको RSA का साइन वगैरह मिल जाएगा। अब मेरे को ये बात बताओ विक्रम भाई, जैसे आप इसको जेड ब्लैक करके चल रहे हो दिल्ली जैसे एरिए में, तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको? तो फिर कैसे उसको आप रोकते हो? बस कर लेते हैं, कोई रीजन है जिसके कारण मैंने करवा रखी है, ऐसा मतलब शौक भी है और थोड़ा कुछ रीजन। तो कोई मेडिकल वाला कुछ कर रखा आपने? हाँ कुछ है। अच्छा, लेकिन ये किसी को रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल। और दूसरी चीज भाई, इतनी जल्दी आपने कैसे ली पहले मेरे को इसकी कहानी बताओ आप। अब बताओ ये इतनी जल्दी कैसे ले ली आपने? इसकी कहानी अगर बताऊं तो भाई जी, ये है एक दोस्त अपने भाई है बड़े, हाँ श्री दुर्गा मोती नगर में जोधराज जी, हाँ उन्होंने दिलवाई है। ये लगा लो कि 10 दिन में गाड़ी मिल गई। 10 दिन में? तो यार यूट्यूब पे लोगों को गाड़ी नहीं मिल पा रही, मैं देखता रहता हूँ वीडियोस वगैरह, और आप 10 दिन के अंदर ले आए। तो डिटेल में तो नहीं बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बता भी नहीं सकते, बट ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भी नहीं किया जो भी रेट, कोई एसेसरीज वगैरह उन्होंने लगाने की कोशिश करी कि भाई ये गाड़ी ले लो 1 लाख की एसेसरी लगवाओ या 20,000 के लगवाओ, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। अच्छा, तो अभी यार इसके अंदर आपने एसेसरीज वगैरह क्या लगवाई है महिंद्रा की तरफ से बताना, जो आपने अपनी मर्जी से लगवाई है? अपनी मर्जी से मैंने कैमरा लगवाया है, हाँ, और कुछ भी नहीं, बस कैमरा, सिर्फ कैमरा। पर वो भी आपने गलती कर दी, वो आगे दिखाते हैं अंदर आपको हम। मेरे को पर्सनली ये वाले अलॉय व्हील्स के डिजाइन ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू टॉप मॉडल वाले, क्योंकि उसमें 18 इंच आते हैं और उसमें स्ट्रेट आते हैं। इसके अंदर आप देखोगे थोड़े से कर्व मिलेंगे और इसकी प्रोफाइल आपको मिलती है 235/65R17। और आगे से लुक्स बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको, टॉप मॉडल वाली अपनी पूरी हेडलाइट मिल जाती है, फॉग लैम्प मिल जाते हैं आपको। ये जो यहाँ पे डमी बटन दिखाई दे रहा है, ये है आपका एडा वो फ्रंट कैमरा वगैरह, जो इसमें आपको नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको सेंसर भी नहीं दिखेंगे, जिससे आपको ये पता लग जाता है ये AXL लग्जरी पैक वाला नहीं है अपना, ये है अपना AX5। यहाँ से आपको पता लगता है कि ये पेट्रोल है, और पेट्रोल की पावर के बारे में तो यार क्या ही कहे, इससे अभी टेस्ट ड्राइव करके भी देखते हैं कि कैसी चलती है, फिर पता लगेगा। ये भाई आपको ब्लैक ही मिले थे? हाँ जी भैया। हाँ तो ये अच्छी लुक दे रहे हैं यार, मतलब ब्लैक पूरा ड्यूअल टोन सा इफेक्ट दे रहे हैं। अगर इस गाड़ी के ऊपर ब्लैक रूफ हो जाए ना भाई, और जैसी जिस हिसाब से इसकी लुक है अभी, बहुत ही बढ़िया निकल के आएगी वो। अब इतनी बढ़ाई कर देते हैं तो थोड़ी सी बुराई की भी बात कर लेते हैं भाई। आपको मिलते हैं सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर, जो कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है, मतलब एक्सेप्टेड नहीं है इस टाइप की बातें। और बाकी एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये की मिलती है, ये देखो भाई की, यार ये की तो बिल्कुल प्रीमियम नहीं है विक्रम भाई, बिल्कुल भी, मतलब थार की भी, थार की भी ऐसी है, स्कॉर्पियो भी ऐसी है, सबकी ऐसी दे रखी है। और चलो इसको ऐसे बंद करके थोड़ी बहुत फिर भी ठीक लग जाती है। फिर इसके बाद आपको इसमें 3 बटन मिल जाते हैं, जिसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत ही बेकार लगती है। इसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, आवाज़ ये करेगी नहीं। और जैसे ही आप अंदर के लिए बैठने जाओगे, क्या होना चाहिए था ना कि जैसे ही आप अनलॉक करते हो, ये थोड़े से बाहर आने चाहिए थे जैसे अपने वेलार वगैरह में आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको ये दबाना पड़ेगा, उसके बाद ये उठेंगे। विक्रम भाई इधर आओ आप एक बार,
अभी जैसे इसके अंदर देखो, ये मेरे को जो साइड इफेक्ट लगता है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह फंस जाती है, जैसे ऑफ रोडिंग करी या कुछ किया ऐसा तो मिट्टी वगैरह फंस जाती है, तो उसके लिए क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं, मतलब इसको खुलवा के पानी मरवाते हो फिर? नहीं नहीं, साफ कपड़े से ही साफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये डर रहता है कि कभी टूट ना जाए, ज्यादा खींच दे। अच्छा अच्छा, तो खुद ही करना पड़ता है। तो क्वालिटी या देखो, जो वॉशिंग सेंटर पे होते हैं ना लोकल एरिया में, जैसे भाई हम अपने गांव देहात में रहते हैं, तो वहाँ के वॉशिंग सेंटर वालों को पता नहीं होता, वो कभी कभी इसको जोर से भी खींच सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मैं खुद ही साफ करता हूँ। अच्छा, नहीं बोलता। तो ये देखो, जैसे इसके अंदर से भाई ने साफ भी कर रखा है, इस हिसाब से साफ कर रखा है। अभी गाड़ी ने आवाज करी है क्योंकि ये ऑटोमेटिक खुद से लॉक हो गई है 30 सेकंड्स के अंदर, इसलिए इसने आवाज करी है, बाकी ऐसे नहीं करेगी। और ये वाला जो बीच का बटन है, आप इसको दो मतलब प्रेस करके रखोगे बूट अनलॉक हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं मिलेगा कि वो अपने आप खुल जाए, वो बस अनलॉक हो पाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको मीटर पे अपने स्टेयरिंग व्हील पे यहाँ पे कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह आएगा जो इसमें है नहीं अवेलेबल। और ये जो सीट कवर है, मतलब ये महिंद्रा से ही है ना? ये तो नहीं, लगवाए आपने? आफ्टर मार्केट लगवाए। अच्छा, पर यार क्या फिटिंग लग रही है इनकी? ये कार स्टाइलिंग मोतीनगर से लगवाए। अच्छा, बट यार देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल महिंद्रा की तरफ से ही आए हो, और क्वालिटी एकदम सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब कोई हार्ड मटेरियल नहीं है, एकदम ही सॉफ्ट मटेरियल है। आपको इसमें कोई नॉर्मल एडजस्टमेंट आपकी मिलेगी सीट्स की, जो कि ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट भाई ने बताया कि इनको भी पसंद है, मतलब नॉर्मल पसंद। हाँ, इलेक्ट्रिक वाली आपको पसंद नहीं है, क्योंकि यार उसमें वो बहुत धीरे धीरे होती है। भाई कह रहा है नॉर्मल में अपना बैठो, तुरंत एक सेकंड में अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो और चलते बनो। और दूसरी चीज, इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा आपका स्टेयरिंग व्हील, सिर्फ वो वाला मिलेगा, पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपनी की लगानी पड़ेगी, फिजिकल की जो आती है आपकी, यहाँ पे आपको ऐसे लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी। और बाकी यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एडास वगैरह नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। अब जो इसके अंदर बात आती है भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो आता होगा इसमें? वो भी नहीं है, मतलब स्विच नहीं देगा, आता है तो मेरे को इस चीज की। अच्छा, स्विच नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ का। हाँ, आता है, आता है। तो मेरे को तो ऐसा कहीं भी स्विच वो दिखा नहीं। अच्छा, तो और एक बार मेरे को एक बार इसकी आप बैक सीट की स्पेस दिखाओ भाई, खुद बैठ के दिखाओ कि आप कैसे कम्फर्ट। उस तरफ से बैठेंगे ना? रियर? हाँ ना, रियर सीट कह रहा हूँ मैं। थर्ड रो तो भाई जी बता दूं, बच्चों के लिए। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि भाई कैसे बैठते हैं, अनलॉक करते हैं एक बार बैठ के देखते हैं पीछे की तरफ, और आपको पूरा प्रोसेस भी दिखा देते कि किस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है पीछे जाने के लिए। वन टच मिल जाता है टंबल, तो ये बहुत ही अच्छी बात है भाई। वन टच टंबल के साथ आप अंदर जाओ, ये देखो भाई, बंद कर दूं। अब मैं आपको दिखाता हूं भाई क्या स्पेस मिलता है। भाई विक्रम, कंफर्टेबल हो? ठीक है, मतलब शॉर्ट जर्नी के लिए हम ठीक हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं ना, मतलब लॉन्ग जर्नी नहीं। हाँ, पर आपका यार हेड तो पूरा टच हो गया। हाँ, वही, मतलब जिसकी हाइट मतलब 5 फुट है। हाँ, मतलब छोटे हैं वो बैठ सकते हैं। मेन ये बच्चों के लिए, एडल्ट इसमें नहीं बैठ सकते। एडल्ट नहीं बैठ सकते, एडल्ट के लिए जाना है तो भाई सफारी की तरफ। एडल्ट जब बैठ सकता है जब एक हो कि वो, और वो अभी अपना टेढ़ा हो गया, बिल्कुल टेढ़ा हो। हाँ, सही बात। भाई को पीछे से ही उतरना है तो आगे से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे एक बटन मिल जाता है, मतलब एक नॉब मिल जाता है, आप इसको दबाओ, उतरो भाई, और यहाँ से आप इजीली अपना गाड़ी से आ सकते हो बाहर, कोई इशू नहीं है। बट ये चीज अच्छी है यार, वन टच में एकदम टंबल हो जाती है, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप अंदर इनग्रेस और आउटग्रेस कर सकते हो। थार के कंपैरिजन में, आपके पास थार भी है तो थार में से बैठना आसान है पीछे वाली सीट पे, या इसकी थर्ड रो पे? थार में आसान है। अच्छा, मैं सोच रहा था आप इसका नाम लोगे, क्योंकि इसमें एक हाइट कम है ना, हाइट कम है, उसकी हाइट अच्छी मिल रही है आपको। जिस चीज के लिए मशहूर है ना भाई एक्सयूवी, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इंडिया की सबसे बड़ी सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी सनरूफ, मतलब पैनारोमिक सनरूफ ही कह लो, सनरूफ तो इसे कहेंगे नहीं, जिसको खुलने में ही बहुत टाइम लग जाता है भाई, मतलब पिछले 30 सेकंड से खुली रही है। खड़ी हुई सीट्स के साथ आपको कोई बूट स्पेस नहीं मिलेगा, आपका थोड़ा सा बूट स्पेस है यार, नेग्लिजिबल साइज के अंदर, वैसे एक लैपटॉप बैग वगैरह आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो आप इसको दबाइए, और अब आपके पास बन गया है बहुत बढ़िया बूट स्पेस, अब कोई इश्यू नहीं आएगा किसी को भी। लोग कहते हैं कि इसका बूट बेकार है भाई, प्लास्टिक का है, फाइबर का है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां भाई, वॉल्वो हुई, अपनी एक से एक कंपनियां इसके अंदर प्लास्टिक का ही यूज़ करती है। इसे प्लास्टिक बोल के बदनाम मत करो यार, ये हाई क्वालिटी फाइबर होते हैं और बहुत ही सॉलिड होते हैं, देखो बहुत ही सॉलिड होते हैं ये, इसके अंदर कोई ऐसा इश्यू नहीं है। न तो आपने सुना होगा भाई कि
बुराई करते हैं कि यार पीछे का प्लास्टिक का पार्ट दे रखा है, जो है प्लास्टिक मास्क हाँ। है, लेकिन जो भी आपने बताया जैसे अपनी जितनी भी हाईएंड कार्स हाँ 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 बेंज होगी हाँ उनमें भी प्लास्टिक ये फाइबर सेम मटेरियल है। और बल्कि ये चीज अच्छी है कि आपको इसके अंदर फाइबर मिलता है, वेट को कम करता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है और सेफ्टी उतनी की उतनी है। AX5 के भी अंदर आपको ये डायनामिक अपना स्वाइप वाले इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, सनरूफ मिल जाती है, तो यार एक वैल्यू फॉर मनी मेरे को जो लगता है वो यही लगता है। बट एक जो मेरे को शिकायत है ना भाई वो ये है कि ये आपको मिलता है नेट का। अब यार ये लोग बोलेंगे कि यार ये नेट का है तो प्रॉब्लम क्या है, अब मैं बताता हूँ विनीत भाई, देखो पर्सनली मेरा एक ओपिनियन है, नेट वाला क्या होता है, एंडेवर के अंदर भी नेट आता है, उसके नेट फट जाते हैं। अगर जैसे अभी आप इसका बंद करके चलोगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ज़्यादा देर के लिए सनरूफ खोली या धूप में रहता है या फिर आप ऐसे मतलब बाहर निकलते हो किसी का कुछ उलझ गया तो ये अपना वहाँ से फिर वो फट जाता है और फटने के बाद इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। और अगर आप इसके अंदर जैसे आप देखोगे जीप कंपस के अंदर आपको नेट नहीं मिलता, होंडा की भी किसी गाड़ी में नहीं मिलता, वो थोड़ी सी अलग चीज़ हो जाती है। बेसिकली ये जो चीज़ होती है ये अपने मॉस्किटोज वगैरह को रोकने के लिए होती है और विंड के नॉइस को अंदर आने से रोकती है वो। अपने बॉक्सर भाई खुद ही यहीं से ही अपनी जिम वगैरह कर लेते हैं, जिम जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो वेट कैसा है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा वेट है ना। और इंजन देख के आपको पता लग गया होगा ये है आपका पेट्रोल का 200 BHP, मतलब 197 200 BHP और 380 Nm का टॉर्क, जो कि आपको एकदम सीट के अंदर धक्का दे देगा, इतनी जोर से पिकअप आता है इसका। अभी हम चला के देख रहे थे, बहुत ही बढ़िया पिकअप है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक में फिर भी आपको कम लग सकता है, अगर आप मैनुअल चला रहे हो और आपके अंदर कंट्रोल है कि आप अपने गियर वगैरह कब शिफ्ट कर रखे हो, तब तो भाई बहुत ही बढ़िया पिकअप निकल के आएगा इसका। भाई स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में आते थे ना हाइड्रोलिक, हाँ जी आपके पास शायद स्कॉर्पियो भी थी, जी बिल्कुल, तो उसके अंदर हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल जाते हैं। हाँ जी भाई, निसान की टेरानो, डस्टर, मतलब अनगिनत गाड़ियां जिसके अंदर हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं, लेकिन इतनी हैवी के साथ भाई प्लीज देना चाहिए था। ये देखो हाथ पे देखो आप, बस ये 20 सेकंड के लिए पकड़ा था, पूरे निशान हो गए। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ना भाई, ये देखो जैसे अभी इंडिकेटर ऑन कर रखे हैं, तो इंडिकेटर ऑन होने के बाद इसकी जो चाइम्स है ना वो आप एक बार ध्यान से सुनना, मतलब वो टक 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 वाली अपनी फीलिंग नहीं देते। और आपको ये 10.25 की 2-inch स्क्रीन्स मिल जाती है, जो कि अभी गाड़ी बंद है तो पता नहीं लगेगा, गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखो भाई ये कुछ ऐसी लुक निकल के आती है। इस तरफ आपको बिल्कुल फुल टॉप मॉडल वाली आपकी टच स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स कम है, वो आप बताओ यार क्या क्या फीचर्स कम कर रखे हैं इसके अंदर। फीचर्स अगर हम टॉप मॉडल से कन्वर्ट करें इसको, कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, हाँ, और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, हाँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत होती है हाईवे के ऊपर। चलो क्रूज कंट्रोल हो गया और अपना ये क्या कहते हैं ऑटोमेटिक हो गया, इसके अंदर क्या क्या फीचर कम दे रखे हैं। एक तो म्यूजिक सिस्टम आपको सोनी का नहीं मिलेगा इसमें, आपको 6 स्पीकर से सेटअप मिलेगा। और इसके अंदर क्या कमी लगती है जो आपको टॉप मॉडल में मिल रहा है, और इसका सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कैमरा नहीं है, कैमरा नहीं है, वो हम आफ्टर मार्केट लगवाए, लेकिन उसकी क्वालिटी आफ्टर मार्केट नहीं है, वो महिंद्रा का कैमरा है, महिंद्रा का, लेकिन आफ्टर मार्केट में अगर मैं जाता तो बहुत बढ़िया रहता है, क्वालिटी इतनी बेकार है, बिल्कुल घटिया किस्म का कैमरा है। क्लोज सनरूफ, लो भाई इसमें कुछ हिंदी के भी यूज हो सकते हैं ना वर्ड्स, क्लोज करते हुए भी बोल सकते हैं, हाँ, तो बहुत ही ज्यादा एडवांस वर्जन दे रखा है, एड्रोनिक्स जिसे कहते हैं। ये रही आपकी बैजिंग, तो एलेक्सा बोलो और इसके साथ खेलते रहो, मेन तो सनरूफ हो गया यार, एलेक्सा ने तो ये भी बंद कर दिया, अगर ये ना करना हो तो एलेक्सा नहीं मानेगी, नहीं मानेगी वो मैनुअली करना पड़ेगा, चलो इसको आप हटा दो, हाँ एलेक्सा वी आर नॉट टॉकिंग टू यू डोंट वरी। ये आपको मिल जाते हैं बिल्कुल एयरक्राफ्ट जैसे अपने बटन्स मिलते हैं ना, कि जैसे एरोप्लेन में कॉकपिट में मिलते हैं, लेकिन इनको जैसे दबाओगे यहाँ से अपना होम का ऊपर का आ जाएगा। ये ट्रैक ये ऑफ किस चीज़ का है, अच्छा स्क्रीन ऊपर की ऑफ ऑन हो जाएगी, ये आपके एयरबैग पैसेंजर वाला ऑन ऑफ करना हो, नहीं सॉरी इसके अंदर लाइट जलती है बस। और ये आपका दूसरा, ये किस चीज़ का भाई, पैसेंजर का एयर बैग का ये भी कोई, तो फिर आपको इस तरीके से अपने यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक एसी मेरे हिसाब से कोई इतना वर्थ इट लगता नहीं है, मेरे पास खुद में ऑटोमेटिक एसी है गाड़ी के अंदर, लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं करता, मैनुअली ही चलाता हूँ, क्योंकि वो है ना उस हिसाब से हम हमारी कंडीशंस को सेंस नहीं कर पाता है, वो क्या करता है ना एक्चुअली कि अगर हमने अगर मान लो उसको सेट कर दिया 18 डिग्री पे तो वो ब्लोअर स्पीड फुल कर देगा, जैसे ही आप ब्लोअर स्पीड को कम करोगे तो वो अपना ऑटोमेटिक एसी बंद ही हो गया। तो ये हिसाब किताब से मेरे को ये
मैनुअली अच्छा लगता है, कोई इशू नहीं है ऐसा। पर AX5 के अंदर आपको वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स, भाई रेट बताओ आप। रेट 19.5 लाख। 19.5 लाख में कोई भी गाड़ी अगर इतने फीचर्स और इतनी बड़ी गाड़ी आपको मिल जाए तो भाई नहीं हो सकता वो काम, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। मतलब इस साइज की, इस इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको इतनी पावर के साथ नहीं मिलेगी, कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। और इतनी फीचर, सनरूफ वगैरह, पैनोरामिक, क्या कुछ नहीं है यार। भाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है एकदम सफिशिएंट वाली 200 mm, तो क्रेटा वगैरह से तो ज़्यादा ही ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई ऐसा इशू आपको मिलेगा नहीं इसके अंदर। कभी टच होने की कोई ऐसी चांसेस है नहीं, पहाड़ों वगैरह में ले जाओ। बस एक इसके अंदर फोर व्हील ड्राइव मतलब मिलता है, लेकिन वो AXL लग्जरी पैक के साथ मिलेगा, वो भी डीजल ऑटोमेटिक के साथ, तो पेट्रोल में आपको वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इसी के साथ भाई यही था हमारा आज का रिव्यू AX5 पेट्रोल XUV 700 के बारे में। एंड इसके बारे में अगर आपको और चीज़ें जाननी है तो आप भाई के चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, उनको आप देखो, वो आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताएंगे। तो वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।